मामला कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के जलीहापुर का है, जहां गांव में रहने वाले मोहम्मद दीन की 17 वर्षीय पुत्री महविश रात घर से अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी तलाश खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। अगले दिन परिजनों को जानकारी हुई कि किशोरी रूरा थाना क्षेत्र के भरथू गांव में देखी गई। परिजन भरथू गांव पहुंचे पर वो वहां नहीं मिली। परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, लेकिन अगले दिन सुबह किशोरी का शव गांव के पास हाईटेंशन लाइन की बिजली के पोल के फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बचीत भरथू गांव के ही युवकों पर किशोरी को घर से भगा ले जाने, फिर हत्या का आरोप लगाते हुए उसके पास से रुपए और ज्वेलरी ले जाने का आरोप लगाया है। यह तरीका नहीं है भाई, एक मिनट, यह मिनट। ए नासा भैया, क्या नाम है आपका? आलम। क्या हुई बात आपके यहाँ? हमारी बहन को 4 लड़के लुआ गए थे घर से, फुसला कर 1.5 लाख रुपए लिए, तो जेवर काफी था। उन लड़कों का क्या नाम था? दिलसाद और वो जलील। अच्छा, निवासी कहाँ के थे बोलो? भरतू के। और दो अज्ञात में दो को हमें पता नहीं नाम था। अच्छा, तो आप इसमें क्या मांग कर रहे हैं आप? हम उसमें इसमें मांग कर रहे हैं कि उनको कार्रवाई हो उनको। अच्छा, पुलिस इनमें कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही? पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। पुलिस क्या बोल रही है आपसे? पुलिस कह रही है ये लटकी मिली है, कहीं यही लिख के दो मुझे। अच्छा, मंगलपुर की चौकी झिंझक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जलीहापुर में गांव के बाहर एक बिजली के खंभे में एक लड़की का लटका हुआ शव बरामद किया गया। उक्त सूचना पर तत्काल थाना मंगलपुर पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है। फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण की गई तथा थाना पुलिस द्वारा पंचायतनामा एवं पीएम की कार्रवाई कराई गई है। परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। शीघ्र ही विवेचना का विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।